हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आंचल पांत और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो उसमें कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। आप याद रखना कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल वाले सनस्क्रीन यूज़ करो, जिसका फॉर्मुलेशन जेल हो, मतलब वो थोड़ा पतला रहता है और आपको लगाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और उसमें ज़्यादा चमक भी नहीं रहती है। तो जेल फॉर्मुलेशन सनस्क्रीन बेस्ट रहता है उन लोगों के लिए जिनका ऑयली स्किन है। आपका अगर ऑयली स्किन है तो आप ये भी याद रखना कि जैसे ही आप सनस्क्रीन का फर्स्ट कोटिंग लगाते हो, आपको लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है चेहरा और थोड़ा ऑयली और थोड़ा डल दिख रहा है, लेकिन ये थोड़े समय में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, चमड़ी के अंदर चला जाता है, फिर वो ऐसा नहीं दिखता। अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है तो आप देखना कि आप सनस्क्रीन का कोट लगाने के बाद उसको थोड़ा सा रब कीजिए, फिर आपको नहीं लगेगा कि वो चिपचिपापन जैसा दिख रहा है या ज़्यादा चमक रहा है। वो सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड नाम की तत्व हो, वो चमड़ी को थोड़ा सा सफ़ेद कर देता है लगाने के बाद, लेकिन उनको अगर आप 5 या 10 मिनट दोगे तो ये सफ़ेदपन काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप हर रोज़ मेकअप यूज़ करते हो तो ज़रूर ध्यान रखना कि आप पहले सनस्क्रीन लगाएं और उसके ऊपर ही प्राइमर और फाउंडेशन लगाएं, ताकि आपको प्रोटेक्शन भी मिले। जिन लोगों के मुहासे होते हैं वो हमेशा डरते हैं सनस्क्रीन यूज़ करने से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सनस्क्रीन लगाएंगे तो चमड़ी और ऑयली हो जाएगी, लेकिन ये गलत है। अगर आपके मुहासे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत और ज़्यादा है, क्योंकि जिनके मुहासे होते हैं वो जब धूप में जाते हैं तो चेहरा काला पड़ने का चांस और ज़्यादा होता है, तो जब भी मुहासे जाएंगे वो आपका काले धब्बे छोड़ के जाएंगे। तो आप अगर रेगुलरली सनस्क्रीन यूज़ करोगे तो ये काला धब्बे छोड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ऐसे स्किन और हेयर के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स में भी फॉलो कीजिए।